अपने झंडा वंदन के दिन ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज, एक चीफ मिनिस्टर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ के चैलेंज देना, कंपेयर कर लेना, ये भी कोई ठीक बात नहीं। तीसरी बात यह है, भाई मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो किया हूँ, आके देखो मॉडल बन गया। क्या मॉडल बन गया? आपका जो मॉडल है, जो ह्यूमन इंडेक्स है, जो बताते हैं, इंडिकेटर्स हैं, उस इंडिकेटर के तहत आप तो हर चीज में नंबर वन नहीं है, ना एजुकेशन में नहीं है, ना हेल्थ में नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, और ना लेबर डिपार्टमेंट में नहीं है। आप तो किसी चीज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजना को भी आपने ज्यादा से ज्यादा वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं किए। बोलना आसान है, तकरीर देना ठीक है, लेकिन जब हाथ में सरकार आती, और वहां भी कम से कम गुजरात में 20-25 साल अपोजिशन गवर्नमेंट है, क्या सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट है? ठीक है, भारत कांग्रेस नहीं सुधारी, ये आपकी राय है, लेकिन भारत में कांग्रेस सुधार नहीं करती तो आज इतना फूडग्रेन्स का बढ़ावा नहीं होता। राइट टू एजुकेशन के लिए 1,23,000 करोड़ खर्च नहीं करते थे, फर्टिलाइजर को सब्सिडी नहीं देते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं आते थे, और आज उनके पास भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं वो हमारी देन है, हमारी पॉलिसी की देन है, लिबरलाइज पॉलिसी की देन है। पीपीपी मोड के लिए वहाँ पर हमने जो बढ़ावा दिया राष्ट्र के हित में, और वहाँ पोर्ट जो बनाए, ये सब हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन से भी, यानी इस देश के जनता के कॉन्ट्रीब्यूशन से वहाँ कुछ हुआ है। ये अपने आप को मैं वो किया, मैं ये किया, मेरा गुजरात वैसा किया, क्या गुजरात में सब गरीबी हट गई है? कोई बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है वहाँ पर? तो अगर कोई किए हैं तो वहाँ पर कोरियन जैसे जाके आनंद डायरी खोल के गरीबों को कुछ वहाँ पर जीने के लिए, पेट भरने के लिए उन्होंने किया, वैसा काम तो अभी आपने नहीं किया। आप सिर्फ तकरीर कर रहे, भाषण से, तकरीर से पेट नहीं भरता, पेट खाने से, अन्न से। इसीलिए हम राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी बिल, ये सब जो ला रहे हैं गरीबों के हित में ला रहे हैं। क्योंकि कोई चीफ मिनिस्टर, आप देखते हैं 25-30 हमारे जो भी स्टेट है उसमें से कोई चीफ मिनिस्टर भी ऐसा नहीं बोले, और 66 साल में जो कोई भी इंडिपेंडेंस डे के दिन भाषण होता है उस पर कोई टिप्पणी उस दिन नहीं किया। हो सकता है पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करते हैं और किसी चीज़ों पे क्रिटिसाइज करते हैं, ये बाद की बात है। जिस दिन हम आज़ादी लिए, लाखों करोड़ों लोग जान देकर इस देश को बचाए, और इस देश की स्वतंत्रता को गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, नेताजी ने, और सभी ने जो इसको स्वतंत्र दिलाया, वो सब भूल जाके अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनने के जोश में अगर होश खोली है तो देश का हित नहीं होता। इस इलेक्शन में तो हमारे चीफ मिनिस्टर भी बहुत सीरियसली लिए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट भी घूम रहे हैं, कृष्णा साहब भी अपना सहकार दे रहे हैं, और हर नेता लोग चुनाव में घूम रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पार्लियामेंट के 2 बाई इलेक्शंस हैं और 3 जो काउंसिल के इलेक्शंस हैं, उसी के लिए सारी कोशिश तो चल रही है, और मुझे आशा है कि हम इसमें यशस्वी होंगे और लोग हमारा साथ देंगे।